विभूति नारायण मिश्रा ने आखिरकार अपनी एक्स अंगूरी भाभी के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अंगूरी भाभी के किरदार को पॉपुलर बनाने वाली और बिग बॉस को जीतने वाली शिल्पा शिंदे के बारे में। और शिल्पा शिंदे के कैरेक्टर अंगूरी भाभी पर अब बड़ा बयान आया है आसिफ शेख यानी कि विभूति नारायण मिश्रा का। दोस्तों, भाभी जी घर पे हैं, ये शो बहुत ज्यादा मशहूर है, मास और क्लास दोनों ही तरह की ऑडियंस शो को बेहद इंजॉय करती है। ऐसे में शिल्पा शिंदे जो एक वक्त पर अंगूरी भाभी का किरदार निभाती थी, अंगूरी भाभी के किरदार को फेमस बनाने में मैं कहूंगी कि शिल्पा शिंदे का बहुत बड़ा हाथ था, उनकी अच्छी एक्टिंग का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन जब अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे ने वो शो छोड़ा, उस समय उस शो की हालत क्या थी और किस तरह से सारी चीजें आगे बढ़ी, इस पर अब आखिरकार आसिफ शेख यानी विभूति नारायण मिश्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और 5 साल बाद इस पर बयान दिया है। तो शिल्पा शिंदे के शो छोड़ने के 5 साल बाद अब आसिफ शेख का ये मानना है कि जब उन्होंने शो को छोड़ा था तब सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था कि अंगूरी भाभी जैसा पॉपुलर किरदार अब अगर शो में नहीं होगा तो शो का क्या होगा। हर कोई जो है वो बेहद परेशान था, शो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, हर कोई। लेकिन आसिफ शेख का कहना है कि तभी हम सब ने अपने आप को संभाला, हमने सोचा कि किसी के जाने से किसी की दुनिया रुकती नहीं है और ऐसे में हम सब ने मेहनत की और आखिरकार हमें अंगूरी भाभी, हमारी नई अंगूरी भाभी मिल ही गई शुभांगी आत्रे के रूप में। वो कहते हैं कि शुभांगी आत्रे ने इतना अच्छे से शो को पकड़ा, उन्होंने अंगूरी का किरदार इतना अच्छे से पकड़ा। वो कहते हैं कि जब से वो आई उन्होंने पहले दिन से ही इस किरदार को इतना अच्छे से पकड़ा कि उनका जो हमारी एक अंगूरी भाभी थी उसकी कमी खलने का तो सवाल ही नहीं होता है और जो पॉपुलैरिटी थी वो भी बरकरार रही।